हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं हूं शेफी और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपको दिवाली के मैसेज सभी फ्रेंड्स आपके कर रहे होंगे और आप भी सभी को आप दिवाली का मैसेज कर रहे होंगे। सभी को आप भी दिवाली के विश मैसेज कर रहे होंगे और आपको भी सभी फ्रेंड्स मैसेज कर रहे होंगे, लेकिन आप अपना मैसेज क्रिएट कीजिए और वो भी GIF इमेज में, ताकि कोई आपका मैसेज कॉपी ना कर सके और आप किसी का मैसेज कॉपी ना कर सको। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, आपने अपना प्ले स्टोर ओपन करना है और यहाँ पर सर्च करना है लेजेंड। इस एप्लीकेशन का नेम है लेजेंड। आप सर्च करोगे, ये फर्स्ट नंबर पे आ जाएगी। इसका आइकॉन इस तरह है, तो इसको आपने इंस्टॉल करना है। मैंने पहले से इंस्टॉल कर रखा है इसको, तो मैं ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद यहाँ पर इसका इंटरफेस कुछ इस तरह आ जाएगा। यहाँ पर दोस्तों, आपने अपने हिसाब से कुछ भी टाइप कर लेना है, तो मैं टाइप कर लेता हूँ हैप्पी। फिर आपने इसको नीचे की साइड कर देना है, यहाँ पर टाइप करना है दिवाली, और फिर आप कुछ भी टाइप कर सकते हो। तो मैं टाइप करता हूँ तो मैंने टाइप कर लिया मैसेज अपना, जो मैं इमेज में इफेक्ट देना चाहता हूँ। तो इस तरह आपने भी टाइप कर लेना है और जो आप लिखना चाहते हो वो लिख सकते हो। तो यहाँ पे ये जो राइट का आइकॉन है, इस पर क्लिक करना है आपने, और फिर ये प्ले का निशान है, इस पर क्लिक करना है, और फिर कुछ इस तरह इसका इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर दोस्तों, आप कोई भी इफेक्ट दे सकते हो। ऊपर ये लाइंस वाला है, इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो इस तरह का इफेक्ट आएगा, और नेक्स्ट इफेक्ट पे क्लिक करता हूँ तो इस तरह इफेक्ट आएगा इसका। तो यहाँ से आप दोस्तों सभी इफेक्ट चेक कर सकते हो, कौन सा आपको पसंद आए, कौन सा अच्छा लगे। तो यहाँ पर दोस्तों, ये जो ब्लिंक वाला ऑप्शन है, ये सबसे अच्छा है, ज़्यादातर यही यूज़ कर रहे हैं सभी और मुझे भी यही अच्छा लगता है। तो यहाँ पे आप इसको सेलेक्ट करना है, ये इफेक्ट आ जाएगा इस तरह यहाँ पे, और नीचे आप इसका कलर, बैकग्राउंड जो कलर वो चेंज करना चाहते हो चेंज कर सकते हो। ये नीचे कलर्स दिए हुए हैं, आप जिस कलर पे क्लिक करोगे उस तरह का इफेक्ट आ जाएगा बैकग्राउंड पे। तो यहाँ पे मैं इसको ये पिंक वाला इफेक्ट दे देता हूँ। तो ये अब हमारा GIF इमेज तैयार हो चुका है। आपने यहाँ पे डाउनलोड का निशान है, यहाँ पे क्लिक करना है, और यहाँ से दोस्तों आप इसको GIF इमेज में भी सेव कर सकते हो और वीडियो में भी सेव कर सकते हो। तो मैं GIF इमेज में इसको सेव करूँगा, ताकि मेरा डाटा भी कम खर्च हो और जो इस इमेज को डाउनलोड करेगा उसका डाटा भी ज़्यादा MB यूज ना हो। तो मैं GIF इमेज में सेव कर देता हूँ। तो इस तरह इसकी कुछ प्रोसेसिंग यहाँ पे स्टार्टिंग हो चुकी है, तो कुछ देर ये प्रोसेसिंग लेगा, 5 से 10 सेकेंड, और ये हमारी जो इफेक्ट है सेव हो जाएगी GIF इमेज में। तो देखिए दोस्तों, ये अब पूरा हो चुका है, और मैं व्यू करके आपको दिखा देता हूँ किस तरह शो होगा। तो अब मैं इसको बैक करता हूँ दोस्तों, और अब मैं अपना व्हाट्सएप ओपन करता हूँ, और मैं किसी को अब ये GIF इमेज सेंड करता हूँ दिवाली का मैसेज। देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये आ चुका है और वर्क कर रहा है अच्छे से। तो मैं इस मैसेज को सेंड कर देता हूँ। और देखिए दोस्तों, मैंने मैसेज सेंड कर दिया। जैसे ही वो बंदा इस इमेज पे क्लिक करेगा, तो उसको कुछ इस तरह का इंटरफेस मिलेगा, जिसमें दिवाली के बारे में विशिंग है और हमारा नाम भी इसमें इंक्लूड है।
तो दोस्तों इस तरह आप सोशल मीडिया पर फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्विटर, तमाम सोशल मीडिया पर आप अपने सभी फ्रेंड्स को अपना खुद का बनाया हुआ, क्रिएट किया हुआ मैसेज सेंड कीजिए और सबको विश कीजिए। और मेरी तरफ से भी आप सभी को हैप्पी दिवाली। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए वीडियो को, हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वॉचिंग फॉर मी।